नमस्कार दोस्तों, नीट बायो जोन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ सके। दोस्तों, हम लोग जो है 10,000 क्वेश्चन की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया वेयर डिस्कवर्ड बाई। तो इसमें जो है लीनियस फादर ऑफ टेक्सोनॉमी पॉस्चर को जो है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ जो है माइक्रोबायोलॉजी और लिवियन फादर ऑफ माइक्रो आर्गेनिज्म दोस्तों और लिवियन हॉक को जो है जानते हैं बैक्टीरिया वेयर डिस्कवर्ड बाय लिवियन हॉक। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों, हम जो है एक ट्रिक बनाए हैं जिसमें जो है आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे आर राम में जो है रॉबर्ट कोच, यम का मतलब माइक्रो आर्गेनिज्म, आर मतलब दोनों वर्ड आर और यम से दोनों वर्ड हो गया रॉबर्ट कोच, आर से और यम से माइक्रो आर्गेनिज्म, पास्चर का मतलब पी लुइस पास्चर पब से आप लोग याद कर सकते हैं कि लुइस पास्चर पब का मतलब, बी का मतलब क्या हो जाए, पी का मतलब पास्चर, बी का मतलब बैक्टीरियोलॉजी। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन हो जाएगा? पास्चर हो जाएंगे। और राम में यम आ रहा है तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन हो जाएगा? रॉबर्ट कोच। तो ऑप्शन इसका मतलब ऑप्शन डी लिवियन हॉक, बैक्टीरिया वेयर डिस्कवर्ड बाई कौन किया था? लिवियन हॉक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये कह रहा है द टर्म बैक्टीरियम वाज गिवन बाई। तो मैंने दोस्तों जो है पास्चर में जो ट्रिक बताया था वही आप पब से याद कर सकते हैं। जो लुइस पास्चर वो कौन है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, लिस्टर, इसके बाद लिवियन हॉक और एरन वर्ग। लिवियन हॉक ने क्या किया था? बैक्टीरिया को डिस्कवर्ड किया था। और एरन वर्ग ने क्या किया था? ये जो है टर्म बैक्टीरियम दिया था। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री। ये कह रहा है द बैक्टीरिया वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चर्ड, मतलब द बैक्टीरिया वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चर्ड बाई लिस्टर, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच या नॉन। तो दोस्तों जो है थर्ड कह रहा है द बैक्टीरिया वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चर्ड बाई, तो लिस्टर फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी के लिए जाने जाते हैं, और लुइस पास्चर को मैंने बताया कि जो है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, रॉबर्ट कोच कौन है? ये फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नॉन ऑफ दीज। तो इसमें जो है दोस्तों ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चर्ड के लिए भी जाने जाते हैं कौन? रॉबर्ट कोच। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर फोर्थ। कह रहा है द हु पुट फॉरवर्ड जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, यानी कि यूवानोवस्की किस लिए जाने जाते हैं? वायरस की खोज के लिए, यानी कि डिस्कवरी के लिए, और स्टैनले क्रिस्टलाइजेशन के लिए, और कोच रॉबर्ट कोच। अभी मैंने बताया कि रॉबर्ट कोच किस लिए जाने जाते हैं? फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और पास्चर किस लिए जाने जाते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो दोस्तों फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी, मतलब जर्म थ्योरी, मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है माइटोसिस इज प्रेजेंट इन विच बैक्टीरियम, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम या बैसिलस मेगाथीरियम या नाइट्रोसोमोनास या नॉन ऑफ दी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैसिलस मेगाथीरियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि माइटोसिस कहाँ प्रेजेंट होता है? बैसिलस मेगाथीरियम प्रेजेंट होता है। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है कि विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड कॉन्ड्रियोल्स इन बैक्टीरिया, तो माइटोकांड्रिया को बोलेंगे या कॉन्ड्रियोल्स को, कॉन्ड्रियाइड को बोलेंगे। दोस्तों एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड कॉन्ड्रियाइडी इन बैक्टीरिया, माइटोकांड्रिया या क्रोमैटोफोर्स या पीली या मीजोसोम। तो सिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीजोसोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर सेवेंथ कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ मीजोसोम इज, यानी कि रेस्पिरेशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर एट। ये कह रहा है कि विच इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, तो एन फेनिल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल फेनिल एमाइन या एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन या नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों हम लोग जो बैक्टीरिया के सेलवाल के बारे में जानते हैं क्या क्या पाया जाता है। तो बैक्टीरिया के सेलवाल में जो है मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन पाया जाता है और एन एसिटाइल
एन स्टाइल म्यूरामिक एसिड और क्या पाया जाता है, और जो है डाई एमिनो पाइमेटिक एसिड पाया जाता है दोस्तों। तो इसको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर नाइन्थ कह रहा है लार्जेस्ट नोन बैक्टीरियम इज, यानी कि स्पिरुलिना वोल्युटेंस यानी कि बैसिलस बंसली या इन मैन, यानी कि बैसिलस बस चिली इन कॉकरोच या एपुलो पिसियम फिसेंसोनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एपुलो पिसियम फिसेंसोनी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर टेंथ कह रहा है कि टेंथ क्वेश्चन नंबर कह रहा है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया आर, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपोप्रोटीन रिस्पेक्टिवली, लिपोप्रोटीन एंड म्यूरामिक एसिड रिस्पेक्टिवली, या लिपोप्रोटीन एंड टिकोइक एसिड रिस्पेक्टिवली, या टिकोइक एसिड एंड लिपोपॉलीसेकेराइड रिस्पेक्टिवली। तो टेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेंथ का राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी टिकोइक एसिड एंड लिपोपॉलीसेकेराइड रिस्पेक्टिवली इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 11 है कह रहा है कि ई कोलाई इज ए बैक्टीरियम, मतलब ई कोलाई किस प्रकार का बैक्टीरियम, मतलब मोनोट्राइकस लोफोट्राइकस या एम्फीट्राइकस या पेरीट्राइकस। तो मोनोट्राइकस का मतलब क्या होता है, ओनली वन फ्लैजिला प्रेजेंट इन, मतलब ओनली वन जो है क्या होता है। तो दोस्तों जो है इलेवेंथ में जो राइट आंसर मोनोट्राइकस का मतलब क्या होता है, ओनली वन फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और बी जो कह रहा है लोफोट्राइकस टॉप फ्लैजिला प्रेजेंट एट वन इंड, यानी एम्फीट्राइकस कह रहा है टॉप फ्लैजिला प्रेजेंट बोथ इंड, और पेरीट्राइकस का मतलब टॉप फ्लैजिला प्रेजेंट होल बॉडी पे होता है। तो दोस्तों इलेवेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेवेंथ का राइट आंसर पेरीट्राइकस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि व्हेन ए ग्रुप ऑफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट एट वन इंड ओनली बैक्टीरिया इज कॉल्ड, यानी कि मतलब ग्रुप कहिए चाहे टफ्ट कहिए, एम्फीट्राइकस का मतलब क्या हो जाएगा, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट बोथ इंड, और एम्फीट्राइकस हो जाएगा, और लोफोट्राइकस क्या होगा, टॉप टॉप फ्लैजिला प्रेजेंट एट वन इंड, ये हो जाएगा मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लोफोट्राइकस। और पेरीट्राइकस का मतलब क्या होता है, टॉप टॉप फ्लैजिला प्रेजेंट होल बॉडी, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोफोट्राइकस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि व्हेन क्यूबिकल पैकेट ऑफ 8 और 64 और मोर कोकाई बैक्टीरिया आर प्रेजेंट दीज आर कॉल्ड स्ट्रेप्टोबैसिलस स्टेफाइलोकोकस या सैरसीना या स्ट्रेप्टोकोकस। तो इसका राइट आंसर तो दोस्तों हम लोग जो है स्ट्रेप्टोबैसिलस को देख लेते हैं, इसको ये जो है ये बैसिलस किसके किस रूप में होते हैं, चेन के रूप में होते हैं। स्टेफाइलोकोकस किस रूप में होते हैं, ये जो है ग्रेप्स के गुच्छे के मतलब टॉप फ्लैजिला प्रेजेंट मतलब किसके किस रूप में होते हैं, ग्रेप्स के रूप में। तो ये सैरसीना में क्या होते हैं, 8 और 8 to 64 तक होते हैं, और स्ट्रेप्टोकोकस में क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, चेन के रूप में होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर सैरसीना इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ कैप्सूल इन बैक्टीरिया इज ड्यू टू न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड इन्वायरमेंटल फैक्टर या जेनेटिकली फिक्स्ड या नॉन ऑफ दी। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेनेटिकली फिक्स्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है स्लाइम मड इज मेड ऑफ यानी कि स्लाइम लेयर इज मेड ऑफ एंड लिपिड्स एंड प्रोटीन पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड्स पॉलीसेकेराइड एंड एमिनो एसिड्स या पॉलीसेकेराइड एंड एमिनो एसिड। तो इसका 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 16 ये क्या है, विच ऑफ द बैक्टीरिया आर इम्यूनोलॉजिकली विरुलेंट यानी कि आर टाइप यस टाइप बोथ आर एंड यस टाइप। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यस टाइप इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का राइट आंसर आइदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल पेप्टाइड लिंकेज, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि
सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया कंटेंट्स यानी एसिटाइल ग्लूकोसामाइन यूरामिक एसिड डाई एमिनो पाइमेटिक एसिड या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोस्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विच इज करेक्ट फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया यानी कि मेड ऑफ पॉलीसेक्राइड एंड प्रोटीन स्टीरॉल्स आर एब्सेंट यानी कि इम्परमिएबल या नॉन ऑफ दीज एंड नॉन ऑफ दी अबव। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टीरॉल्स आर एब्सेंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोस्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विच इज करेक्ट फॉर फ्लैजिलम ऑफ बैक्टीरिया तो यानी कि मतलब मेड ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन 9+2 पैटर्न एब्सेंट यानी कि 4-5 माइक्रॉन लॉन्ग यानी कि 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है कि पीली आर इसेंशियली प्रेजेंट इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बोथ पॉजिटिव मतलब बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया नॉन ऑफ दी अबव। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि फंक्शन ऑफ पीली इज यानी कि फंक्शंस क्या हैं, अटैचमेंट टू अदर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम कंजुगेशन ट्यूब या बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दी अबव। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यानी बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विच इज नॉट करेक्ट फॉर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया यानी कि डबल स्टैंडर्ड राइट हैंडेड एंड सर्कुलर जीसी यानी जीसी का मतलब क्या होगा, जीसी का मतलब गाइसिन एंड साइटोसिन गाइसिन यानी कि इसको जी को हम लोग जो गुआनिन साइटोसिन कंटेंट मोर देन एडिनिन थाइमिन यानी कंटेंट्स ऑफ हिस्टोन्स एब्सेंट यानी कि 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है द टर्म प्लाज्मिड वाज गिवन बाय बीटल कोच लीडरबर्ग गैजिंडर। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीडरबर्ग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है एफ फैक्टर इन बैक्टीरिया इज प्लाज्मिड एपिसोम कोल्चिसिन ए फैक्टर यार नॉन ऑफ दीज। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एपिसोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ओलिट्यून ग्रैन्यूल्स इन बैक्टीरिया आर केमिकली ब्यूट्रिक एसिड ग्रैन्यूल फैटी एसिड ग्रैन्यूल प्रोटीन ग्रैन्यूल्स यार पॉलीमेटाफॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। ऑप्शन इसका राइट आंसर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 27 ही कह रहा है बाइनरी फ्यूजन इन बैक्टीरिया अकर्स आफ्टर एवरी यानी कि 1 hour, 2 hours, 20 minutes या 2 minutes। तो 27 का राइट आंसर 20 minutes इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 28 ये कह रहा है कि 28 एंडोस्पोर फॉर्मेशन जनरली अकर्स इन यानी कि कोकस फार्म एवरियो फार्म या बैसिलस फार्म या स्पिरुलिनम फार्म। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंडोस्पोर यानी कि बैसिलस फार्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि हाईली रेसिस्टेंट स्पोर इन बैक्टीरिया आर क्लेमाइडो स्पोर हिप्नो स्पोर एंडो स्पोर या एकाइनेट्स। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंडो स्पोर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडोस्पोर कैल्शियम आयन पेप्टिडोग्लाइकॉन डाइपोलिनिक एसिड या ऑल ऑफ दीज। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है विच मेथड इन बैक्टीरिया कॉन्स्टिट्यूट रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन। 31 को एक बार फिर देखते हैं विच मेथड इन बैक्टीरिया कॉन्स्टिट्यूट रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन कोनिडिया बाइनरी फिजर एंडोस्पोर या जूस्पोर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 32 ही कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन इज कॉल्ड ग्रिफिथ इफेक्ट ट्रांसडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कंजुगेशन या नॉन ऑफ दीज। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 33 ये कह रहा है ट्रांसडक्शन मेथड ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड इन
यानी 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 34। 34 कह रहा है कि पाश्चुराइजेशन ऑफ मिल्क अकर्स एट, यानी कि 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 35 ये कह रहा है विच इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया, राइजोबियम, स्ट्रेप्टोमाइसिस, नाइट्रोबैक्टर या एजाइटोबैक्टर। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एजाइटोबैक्टर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है फाइबर रेटिंग इज डन बाई, यानी कि क्लॉस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटीलिकम या माइक्रोकोकस कैंडिसेंस या क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम या क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटीरिकम, यानी कि 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटीरिकम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 37। 37 कह रहा है कि मेन सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक इन विच बैक्टीरिया, बैसिलस, क्लॉस्ट्रिडियम, स्ट्रेप्टोमाइसिस या राइजोबियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 38 ये कह रहा है कि एंटीबायोटिक थायोथ्रिसिन इज ऑब्टेंड फ्रॉम, यानी 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 का राइट आंसर बैसिलस ब्रेविस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 39 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाई बैक्टीरिया, टेटनस, मेनिंजाइटिस, लेप्रोसी या नॉन ऑफ दिज। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि प्लेग इज ए डिजीज, वायरल, बैक्टीरियल, माइकोप्लाज्मल या ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन इसका बैक्टीरियल, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 41 ये कह रहा है मम्प्स इज ए डिजीज, यानी मम्प्स कैसा है, वायरल है, बैक्टीरियल है, माइकोप्लाज्मल है या नॉन ऑफ दिस। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायरल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 42 ये कह रहा है कि टंग्रो डिजीज ऑफ राइस इज, माइकोप्लाज्मल है, बैक्टीरियल है या फंगल है या वायरल है। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायरल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो सिट्रस कैंकर, ब्लाइट ऑफ पैडी या टेंडू डिजीज ऑफ वीट या ग्रासी सूट ऑफ शुगर केन। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रासी सूट ऑफ शुगर केन, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 44 ये कह रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉटन इज डन बाई, यानी कि मतलब स्पाइरोकाइटी साइटोफेज बैक्टीरिया या क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम या नॉन ऑफ द एबव। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पाइरोकाइटी साइटोफेज बैक्टीरिया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 45 लो टेम्परेचर स्पोरेज ऑफ बैक्टीरिया इज, यानी कि डिसोसिएशन या फ्रीजिंग या लायोफिलिजेशन या क्रायोलॉजी। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 46 ये कह रहा है हु डिस्कवर्ड वायरस, यानी कि वायरस को किसने डिस्कवर्ड किया था। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेयर होगा, इवानोस्की होगा, टीवार्ट होगा या स्टैनले होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इवानोस्की इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 47 ये कह रहा है वायरसेस आर न्यूक्लियो प्रोटीन, वाज शोन बाय स्टैनले, बॉर्डन एंड पियरी या डी हेरेले या इवानोस्की। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉर्डन एंड पियरी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 48 ये कह रहा है वायरसेस एज कॉन्टेजियम वाइवेयम फ्लूइडम वाज प्रपोज बाई मेयर, स्टैनले, बेंजरिंक या चैम्बरलैंड। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंजरिंक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है विच इज द लार्जेस्ट नोन वायरस, यानी कि मतलब फूट एंड माउथ डिजीज वायरस, मीजल्स वायरस, वायरियोला वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायरियोला वायरस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 50 टोबैको मोजैक वायरस इज, यानी कि ब्रिक शेप, स्फेरिकल से या रॉड शेप या टैडपोल लाइक। तो दोस्तों ये जो है पॉक्स वायरस जो है ब्रिक शेप्ड होता है,
और ये जो है आइसोहेड्रल मतलब इकासोहेड्रल एक होता है वायरस, वो कैसा होता है, ये होता है स्फेरिकल, यानी इकासोहेड्रल वायरस कैसा होता है, स्फेरिकल। और रॉड शेप्ड वायरस कौन होता है, टोमेटो मोजैक वायरस। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। सो मेन थैंक्स फॉर वॉचिंग नीट बायो जो चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो मेनी थैंक्स।